रास्ता नहीं मिल रहा था यार, हम वहाँ घूम ही जा रहे घूम जा रहे, क्यों तोड़ेगा उसने बोला, गुस्सा आ गया ना उसको, गुस्सा आ गया मेरे को मिला देता आज मेरे पास गुस्सा है। नहीं, 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 और तू निकल लिया इसको क्यों नहीं डांट रहा यार तू, भैया देख अभी तुम लोग का पट सब काट दूंगा। सच्चाई व्लॉग है, सच्चाई सच्चाई व्लॉग है। तो वहाँ पर है चांगला पास, चांगला टॉप, बाइक उठाते उठाते ना मेरे राइट वाले लोअर बैक में बहुत जोर से चमक लगी है। सिंह भाई, अंजी भाई, ये क्या है? ये है अपना लेमन टी। वो कुत्ता मर गया कि जिंदा है? जिंदा जिंदा है। ऐसा कैसे सो रहा है? सांस लेने में दिक्कत हो रही है, अभी भी दिक्कत हो रही है। अरे यहीं पे हो रही है, तो लंबी लंबी सांस ले ले खा ले यार। मेरे को ना वो बहुत भारी पड़ गया यार, वो बाइक उठाना, बाइक गिरी उतना प्रॉब्लम नहीं, उठाने में बहुत प्रॉब्लम हो गया मेरे को। तो वो सिर नीचे झुकाना दिक्कत। हां यार वो सिर नीचे झुका, ताकत भी लगाया ना पूरा, एकदम शरीर झंझोड़ गया मेरा, झंझोड़ सा हो गया, पूरी एनर्जी जो एक्साइटमेंट थी सब खत्म हो गई मेरी। मैं पीछे से इतना जोर से चिल्लाई कि मेरी सांस फूल गई। अब मेरे को पता था वो जो जगह थी ना जहाँ से मैं निकाला था, पता था कि बाइक गिर सकती है, इसलिए मैंने उसको पहले उतार दिया। अपने हेवी राइडर है। मेरे साथ बाइक गिरती ना मैं बाइक गाड़ी पे ना ये नहीं फिर संभाल पाती, क्योंकि ना ये बाइक के साथ थी, मैं बाइक के साथ। अपने को पता, अपने को टेक्निक पता है कि बाइक गिर रही है छोड़ दो, इसको नहीं पता है बाइक के साथ चिपक जाती है। ठीक है फिर निकलते खा के फटाफट यहाँ पे, बाकी लोग निकल गए। सत्य को मैंने रोक लिया क्योंकि चीता आदमी, उसको कुछ नहीं होता पहाड़ों में। कुछ कहना चाहेगा? डिजर्व करता हूँ मैं। ऑलराइट, यहाँ पर ज्यादा टाइम रुक नहीं रहे क्योंकि यहाँ रुकना हानिकारक है सेहत के लिए। बस एक लेमन टी पिया और दो चम्मच मैगी, बस यहाँ रुकने का दिल नहीं कर रहा, काफी ठंड भी है यहाँ पर, सब रुकने लग गया यार, इतना अच्छा चल रहा था चांगला बाबा स्थल। यहाँ एक फोटो तो बनती है। अब ऐसा है कि खड्डे आ रहे हैं, गाड़ी खड्डे में जा रही है, झटका लग रहा है बॉडी को और असर हो रहा है दिमाग पे, सर दुखने लग गया है। यही होता है पहाड़ों में, ये मुझे पता है, फिर भी आते हैं माउंटेन में अपने आप को ऐसे सिचुएशन में ढालने के लिए। लोग भी सोचते होंगे यार मतलब इतना सब तकलीफ है, इतना सब कुछ है, फिर भी जाते हो, क्या मजा आता है? मजा तो आता है दोस्त, मजा तो आता है। घर पे बैठे है, एसी चालू है, टीवी चालू है, पॉपकॉर्न है हाथ में, चाय पी रहे हो, मोबाइल में गेम खेल रहे हो, वो फील थोड़ी आएगा। ए पूनम ये देख, अरे टूट गया, हेले हेले कुल्फी खा। इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? इसे इंग्लिश में चाकू कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? आइसिकल्स। आइसिकल नुकीला यार ये तो, क्या बात है। लेकिन सबसे ज्यादा जो मैंने बर्फ देखा था वो देखा था मैंने तंगदंगला में। ऐसे लोग बोलते हैं कि बारालाचला में ज्यादा बर्फ होती है, लेकिन तंगदंगला में ज्यादा देखने को मिला था। यार मेरे को फंबल हो रहा है, बोलने नहीं हो रहा, लेकिन ये ठीक है, उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है ये बर्फ को देखने में। तंगदंगला तो देखने का भी मन नहीं कर रहा था, ऐसा भगा रहे थे हम लोग, भागो 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 फटाफट नीचे उतरो। हमें जाम क्यों मिलता है? काम चल रहा है आगे, ये हर बार हमें जाम मिल रहा है यार। हमारे सारे वीडियो लोग आगे जा चुके हैं, लास्ट टाइम भी अटके थे वहां पर, इस टाइम भी अटके हैं, ये हो क्या रहा है हमारे साथ? चल 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 वीरे, क्या कर रहे हो यार? रुक जा भाई, अरे रुकना भाई यार रुकना। अरे भी है यार, काफी सारे बाइकर्स यहाँ रुके हैं, बट अपने बंदे लोग किधर है? कहाँ कब पहुंचे? बड़ा खुश है तो 400K सब्सक्राइबर कंप्लीट हुआ है, बड़ा खुश लग रहा है, सुबह से देख रहा बड़ा खुश है ये। लेकिन मेरा अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है यार, जब से बाइक गिरी ना उसके बाद से लेकर सर इतना ज्यादा दुख रहा है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जगह कौन सी है ये? कौन सी जगह भाई ये? दुर्भुक। और यहाँ पर सारी चीजें ना आराम आराम से करनी चाहिए, इसीलिए होटल में भी हम कुछ ऑर्डर करते ना आराम से। मेरे को ऐसा लगा कि दो दिन तो हो गए ले में, मतलब क्या बोलते हैं, स्टैटिक में रख लेना, अक्लेमेटाइज हो गया। तो मेरे को ऐसा लगा सब कुछ बढ़िया है यार, उसके बाद पता नहीं यार अजीब सा मतलब पलट ही गया, मतलब पूरा मूड खराब हो गया मेरा। तूने जो पैनियर उठाया ना, पैनियर उठाते टाइम क्या होता है लद्दाख में, सिर्फ झुकते ही तुम्हारे वो पूरा ब्लड सर्कुलेशन इधर आ जाता है। पैंगोंग में पहुंच के थोड़ा आराम, एक दो घंटा आराम कर लेगा तो फिर ठीक हो जाएगा। ठीक है दोस्त, बढ़िया? हां एकदम बढ़िया, कुछ हुआ नहीं अभी तक। सर दुख रहा है? नहीं नहीं नहीं। कुछ होने का वेट कर रहे तू? नहीं नहीं। सलीम कह रहा आज मेरे हाथों को पिटेगा, तो इसमें कब से कॉमेडी कर करके इसको हंस आके फाइनली इसके चेहरे पे स्माइल आई है। तू ना हंसा है वो अच्छा है, जब भी तू हंसा रहा तब तक मेरे दिमाग में ना वो हिट हो रहा है, तो हंसा था वो भी गलती हो रही है तेरे से, मत कर हंसा मत मेरे को, सर दुख रहा है मेरे को हंसाने से भी। कमेंट करके बताओ हंसाना चाहिए नहीं हंसाना चाहिए। हेलो जी, ठीक हो? सब ठीक। मैंने सुना कि तुम्हारा सर एक साइड का सर दुख रहा है।
कैसा सर है पूनम, जो एक साइड से दुख रहा है। अच्छा क्या इसमें हो ही कम, प्रॉब्लम भी तो हो सकती है ना, सब में डिफॉल्ट थोड़ी होता है कि इतना ज्यादा। इसके दोनों साइड है दिमाग, लेकिन एक साइड दिमाग चलता है। एनीबॉडी हियर, आवाज नहीं आ रही, इको हो रही है, मेरी आवाज अंदर जाके इको हो रही है। ठीक है मेरे को सबसे ज्यादा चिंता थी इसकी, अब मुझे अपनी चिंता करनी पड़ रही है। चिंता चिता समान है, चिंता मत करो मेरे दोस्त। क्या बोलता है कभी कभी, क्या बोलता है? चलो अरे बाप रे बाप, व्लॉगिंग के लिए ना मूड का ठीक होना बहुत सही है। अगर मूड ठीक नहीं होना तो व्लॉग बन जाता है, लेकिन वो एनर्जी, वो हैप्पीनेस, वो चीज मिस हो जाती है यार। बट मैंने ये सोच लिया है कि चाहे मूड कैसा भी हो, मैं हर मूड में व्लॉग करूंगा, चाहे तबीयत खराब हो, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत टाइम बाद मैंने कुछ तो ठाना है, बट ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस ऐसे ही प्यार करते रहिए, हम व्लॉग बनाते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए व्लॉग तो बनेंगे। लेकिन कभी कभार नेटवर्क नहीं होने की वजह से व्लॉग नहीं आएगा, लेकिन हर दिन व्लॉग होगा जरूर। कहाँ दिखाना परमिट? अच्छा, यू आर एंटरिंग द वैली ऑफ मैनिटर्स, मैन ईटर्स, वैली ऑफ मैन ईटर्स। मतलब हम लोग ऐसे वैली में जहाँ पर लोग इंसानों को खाते हैं। चल तो हो गया, हमने परमिट चेक करवा दी वहाँ पर। ऐसे बैंकॉक जाने के लिए परमिट लेना होता है। हमारा जो परमिट का नंबर है वो है 217, जिसको हमें याद रखना है। मतलब ये वैली बहुत खतरनाक है जो इंसानों को खाती है, समझा? तो मैन ईटर्स का मतलब ये होगा कि ये वैली में लोगों की जान जाती है। देखना कैसा लग रहा है यहाँ पर ना, हर 5-5 किलोमीटर बाद ना सिनेरियो चेंज हो रही है। मतलब जो दृश्य में अलग हो जाता है, जैसे मेरे को पहाड़ कुछ अलग दिखता है या फिर कुछ नया नजारा दिखता ना, मैं उसको शूट करने लग जाता हूँ। और यही पिछले 2-3 दिन से हम कर रहे थे, और उसका नतीजा ये रहा है कि एक एक व्लॉग जो है लगभग 40 GB 50 GB तक जाता है। और अगर हम उसको काउंट करते हैं कि कितना घंटे का फुटेज हुआ है, कम से कम 3-3.5 घंटे का फुटेज होता है, और उसमें से हम लोग 15 मिनट या 20 मिनट का व्लॉग डालते हैं। क्योंकि जगह ऐसी है कि इतना अटेम्प्ट करते हैं कि ये भी शूट करे, वो भी शूट करे, ठीक है वही हो जाता है कि सब कुछ शूट करने को दिल करता है। फिर बाद में जब एडिटिंग में बैठता है तो सोचता है रे यार ये क्या कर लिया। ये तो फिर भी कम है, जब मैं 2017 में लद्दाख किया था उस वक्त 10 दिन का मेरे पास कम से कम 700 या 800 GB का फुटेज था। सोचो कितना मैंने शूट किया रहेगा, भुक्कड़ की तरह सब मैंने शूट कर लिया। और अभी मैंने ये सोचा था कि नहीं यार ज्यादा शूट नहीं करेंगे, फटाफट व्लॉग डालना है तो कम ही शूट करेंगे, लेकिन ना चाहते हुए भी शूट हो ही जाता है। जगह ही ऐसी है। ये देखो जी, द फर्स्ट व्यू ऑफ पैंगोंग लेक। तबीयत फटे तो फटे, नवा भी ना घटे। हेलो, इतनी हालत खराब है, सर अभी भी दुख रहा है, लेकिन यहाँ रुक के एक पिक्चर लेना तो बनता था। ये देखो जी, पैंगोंग लेक यहाँ से शुरू हो चुका है। वाह 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 वाह, दिल खुश हो गया है ये व्यू देख के यार, मतलब क्या ही कहे। क्यों शिकार करना छोड़ा, इसका मतलब ये थोड़ी है शिकार करना भूल गए हैं। नीचे जाना है कि ऊपर जाना है? मजाक करते हमारे साथ, यहाँ क्या है ना, बहुत सारे लोग आ चुके हैं, तो यहाँ पर जो टेंट्स है कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, सब मुश्किल से मिल रहे हैं। बहुत 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 मुश्किल से एक होम स्टे मिला है, पूरा ब्लू ब्लू ब्लू। Not to speak, pretend that I'm dreaming. I smell your breath, not listening, but I still hear you screaming. अगर खूबसूरत चीज देखना है तो स्ट्रगल तो करना पड़ेगा ना यहाँ पर, और ये स्ट्रगल भी नहीं है, इसमें मजा आता है। लेकिन अभी पीछे पूनम बैठी हुई ना, तो सैडलिंग नहीं कर सकते, बट इसका सस्पेंशन काफी अच्छा है जिसकी वजह से ज्यादा फील नहीं होता। तो हमारी ब्लू टाइगर पहुंच चुकी है ब्लू पैंगोंग लेक के पास, तो ये वाले ड्रिम पे लग गया टिक, कम्प्लीटेड, फाइनली पहुंच गए। तो वो ठंडी लग रही है? अच्छा ये वाला ओके। अभी टाइम हो रहा है 6:56। ये जो होम स्टे हमें मिला ना, बड़ा ही मतलब यूं समझ लो हमारा लक था इसलिए मिल गया। यहाँ पर अभी कितनी फैमिली थी? यहाँ पे 4 रूम्स लगे हुए थे, और अभी चेकआउट किया, और जैसे ही चेकआउट किया और हमने चेक इन कर लिया, हम पहुंच गए और कहीं मिल ही नहीं रहे। अभी बता रहे थे ये 1 महीने बाद की भी इनको बुकिंग नहीं मिल रही है। अभी यहाँ चल रहा है फुल पैक, गाड़ियों में सो जाओ।
डेंजरस हो जाएगा। अभी सारे लोग जट सत्या नवीन भाई इमरान भाई सब गए नीचे, मेरा सर अभी दुखना कम नहीं हुआ इसलिए मैं नीचे नहीं जा रहा हूँ। मैं आपको पैंगोंग दिखा नहीं पाऊंगा आज के दिन, जो वैसे हम बाइक चलते चलते जो दिखा वही दिखा, लेकिन इतना तो प्रॉमिस करना पड़ेगा यार अपने ऑडियंस को कि कल सुबह दिखाएं अच्छे से। कैसे कैसे दोस्त है यार, छोड़ के चले गए, आने दे उन लोगों को, देता हूँ गोली। मेरे दिमाग में एक मस्त पिक आइडिया है, मैं वहां जा नहीं सकता तो क्या हुआ, मेरे पास 7300mm का लेंस है, वहां से मैं पैंगोंग दिखा सकता हूँ ना, है कि नहीं जुगाड़ अपने पास। क्या क्या ये कमरे का व्यू देख, यहाँ इमरान भाई रुके, अमेजिंग अमेजिंग, सामने दिखता है, मेरे कमरे से तो कुछ नहीं दिखता, तुम्हारा कमरा कोने में। एक काम कर, शुक्र मना मिल गया मिल गया, एक छोटे बाल्टी में पानी रख देता हूँ, पैंगोंग देखो आप, पैंगोंग का पानी लगे रख देता हूँ, छोटा पैंगोंग सुबह उठ के इसको देख लेना। अच्छा भी अच्छा, ये हमारा शूटर जो आपको दिखाएगा पैंगोंग लेक, और ये कहाँ चढ़ के दिखाएंगे हम आपको, ये जो हमारा होम स्टे है इसके ऊपर जाएंगे और वहां से आपको पैंगोंग भी दिखाएंगे। ऐसा व्यू आपको सत्या भी नहीं दिखा पाएगा, ना ही जट दिखा पाएगा। सब्सक्राइब मी, आने दे, तो सब्सक्राइब करना बनता है, बनता है, मैं भी बोलता हूं बनता है। ये तो नहीं आऊंगा मैं, वो तो हर एक पैर रखने के बाद पता चलेगा ना सलीम भाई। तो बहुत बढ़िया व्यू है यहाँ से, जहाँ चाह वहाँ राह, मुझे आप लोगों को दिखाना था पैंगोंग लेक, और ऐसी जगह से दिखा रहा हूँ, इसी बात पे सब्सक्राइब तो बनता है, बनता है। ये संभाल लेना, सकड़ी कबाब हो जाएगा तेरा। आजा नवीन भाई, ओह देखना चाहोगे यहाँ का व्यू। मोहम्मद सलीम खान प्रेजेंटिंग यू पैंगोंग लेक, और कान में ठंड लग रहा है। नवीन भाई ये क्या चीज है? एक्चुअली अपने हिंदी में मठी बोलते हैं। अच्छा, यहाँ यातू बोलते हैं। वो भाई कुछ कुलचा उलचा देने वाले थे, बस वो वैसा ही है, वैसे यातू है ये। इसमें ऑक्सीजन कंटेंट होता है ना थोड़ा, ये लोकल ग्रीन से बनते हैं। अभी क्या ऑलरेडी नाउ सनसेट हो चुका है, तो वैसा लेक दिख नहीं रहा जैसे हम लोग आर्ट में पूरा फुल ब्लू ब्लू दिख रहा था, मेरे ख्याल से सुबह दिखेगा वो। काफी हवाएं चल रही है, स्मार्टी बॉय कैसा, ठीक बढ़िया एकदम। अभी वो कौन है, कहाँ बैठे हो भाई, क्या कर रहे हो, क्यों बैठे हो, चाय पियो, चाय आ गई है, ये गिर जाएगा, चाय गिरेगा, इतनी हवा चल रही है, चलो चाय। अरे चाय ठंडी हो गई यार, इतना ठंड है यहाँ पर। ठीक है, हम अपनी शाम को एंजॉय कर लेते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ये व्यू बड़ा सही है यार, वहाँ से नीचे से ज्यादा मजा है यहाँ पर, मुझे लगता है सुबह सुबह बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा यहाँ पर। लल्ले साइड में, और लल्ले पहले मेरी सुन ले, मजाक नहीं कर रहा, बड़ा सीरियस मैटर है। अभी भाई नीचे गए हम, बाइक नीचे ले गए, एक टेंट के आगे से निकले, टेंट वाले ने पकड़ लिया, ये पीछे बैठा, कह रहा दोनों के कैमरे तोड़ दूंगा यहाँ बताना दोबारा, लिटरली रास्ता नहीं मिल रहा था यार, हम वहाँ घूमी जा रहे तोड़ेगा, उसने बोला गुस्सा आ गया ना, उसको गुस्सा आ गया, मेरे को मिला देता आज मेरे पास, मेरे यहाँ वीआईपी रुके हुए हैं तो मेरे टेंट के आगे से निकल रहे, सॉरी आगे से नहीं आएंगे। अभी मेरी सुन, वो तुम लोगों को दिया ना गोली, अब मेरी गोली सुन, तुम लोगों का दोस्त सर दुख रहा है, बाइक गिर गई और तुम लोगों को कंटेंट की पड़ी है। मैं बोला कि रुको भाई, उस टाइम पे भी बोला वहां पर मैं, कहां दुर्भुक में, दुर्भुक ऐसा ही बोला, वो ऐसा ही बोलेगा अपने को, अजीब सा दुर्भुक में तू निकल लिया, यहाँ पर भी मैंने बोला रुक जा भाई थोड़ा कंटेंट बना लेते हैं। हाँ, मैंने तेरे को बोला था, फिर रुका क्यों नहीं, साले मेरे पीछे भी बैठा, तेरे को बोला था। ये देख, मैंने बोला था इसको भी तो डांट, इसको भी तो डांट, और तू निकल लिया, इसको क्यों नहीं डांट रहा यार तू, भैया देख अभी तुम लोग का पट सब काट दूंगा साला, मेरे को यहाँ पर थोड़ा मैं अंदर गया कपड़े पहनने के लिए, और तू निकल रहा है, नहीं कट कर भाई, नहीं चाहिए कुछ, हेलो सारी गलती हो गई, नहीं नहीं मेरी जवान फिसल गई, मेरी गलती हो गई, दोस्त इंपॉर्टेंट नहीं है, कंटेंट इंपॉर्टेंट है भाई, मैंने बोला कि चल मेरा कंटेंट बना लेते, लोग निकल ले, बोला यहाँ पर आया हूँ यार, तड़पते तड़पते रहते, छोड़े कट कर दे, मेरे को सही नहीं लगा, सच में मेरे को सही नहीं लगा, मेरे को बोला था पैंगोंग लेक में हम लोग पहले भी आए थे, और हम लोग रुके थे टेंट में, यहाँ पर आने के बाद टेंट में नहीं रुकना है, यहाँ पर जो होम स्टे होता है वो ज्यादा गर्म होता है। अभी हम लोग खाना खाने के लिए आए थे, बाहर इतनी ज्यादा ठंड है, और अंदर घुसते ही ऐसा लगता है हॉट बॉक्स है, कहीं कहीं पे अटैच बाथरूम मिल जाते हैं, नहीं तो फिर वो मिलते ही नहीं है। लेकिन सबसे अच्छा व्यू पता है किनके रूम से, इमरान भाई के, इमरान भाई व्यू बहुत अच्छा, जाके देखा मैं, ले लो रूम तुम, ले लो, नहीं नहीं, और आज इमरान भाई सुबह से लेकर अभी तक मेरे ब्लॉग में आए नहीं, आपको पता है इमरान भाई ने भगाई है भाई का आज, पीछे कर दिया भाई, इमरान भाई ने। हम वेट कर रहे थे कि कोई आके हमें खाना सर्व करेंगे, लेकिन पता चला यहाँ पे बूफे सिस्टम है। क्या है यहाँ पे, दाल है, चावल है, भाजी, रोटी, सादा जीवन, सादा खाना। टाइम हो रहा 9:57, सो गुड नाइट फ्रेंड, क्या गुड नाइट फ्रेंड, सच्चे का नमस्ते, बड़ों को प्यारी पोना, छोटों को सोने दो सोने दो भाई सोने दो, ठंड लग रही है को। आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं, इन चेहरों को अगर पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी सब बिल्कुल एकदम बढ़िया है, लड़का हमारा बढ़िया है इसलिए सब बढ़िया है। अभी ठीक है, सदत काम हो गया, थैंक यू बाबी, पटपड़े थैंक यू बाबी, पटपड़े, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बड़े करके दैट इज लिव लाइफ लिव ड्रीम, बू Feel I'm in a mood for a switch.
मैंने अभी आते हुए भी तेरे को क्या बोला? सीरियसली इसने बोला, झूठ के बोलूंगा, जेन्युइन बोला, जेन्युइन बोला, ये मैंने बोला, और जाते हुए भी मैंने बोला था, बट फिर तूने बोला कि जाओ जाओ, मन करिए ये बात रख नहीं सकती।